इस वक्त हम लोग दूधी पत्सर की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ वो हमारा भाई है छोटा, वो तो चला रहा है साथ। मैं हॉर्स राइड कर रहा हूँ, तकरीबन 40,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है। रिस्क है इसके ऊपर वैसे वीडियो बनाना, बट इट्स अ गुड थिंग। रास्ते में घोड़े हैं, गायें भैंसे हैं, सस्ता रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, मजा कर रही हैं। आपस की बात है, मैं पहले समझता था कि घोड़ा लेना एक ना तकल्लुफ है, लेकिन ये तो बड़ी सहूलत है, बड़ा सुकून से बंदा बैठा रहता है, बस चलता आ जाए। एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, जब भी दूधी पत्सर आए तो इसकी ट्रैकिंग के साथ साथ आप एक दफ़ा घोड़े का आधा घंटे का सफ़र भी करें, थकन आपकी बहुत बचेगी, इंजॉय बहुत करेंगे आप इस चीज़ को। वो सामने मेरे एक छोटा सा गांव आ रहा है भाई। इस गांव का नाम क्या है? अच्छा, वो मुल्ला की बस्ती असल है, जो असल गाँव है वो पीछे करके है। पानी है, साथ साथ चल रहा है, खूबसूरत मौसम है। शायद भाई परेशान हुए हैं, इनका बिजनेस का इशू कोई बन रहा है। इनके सिग्नल आएंगे 5-6 बजे तक ही। मुझे लगता है मेरी इस घोड़े से दोस्ती शायद हो गई है, थोड़ी सी नहीं हुई। ये इनका दूसरा घोड़ा है, ये वाला बिग ब्रदर। वो एक घोड़ा सुस्तार है, वो पीछे सीब और वो मावी जा रहे हैं। तीसरा का वो यार इसके साथ कोई मसला है, मुझे घोड़ा लेटा हुआ है, इसके साथ कोई मसला है, वो अकेला लेटा हुआ है, पागल हो गया। हाँ, ये एक प्यारा सा घोड़ा है, इसकी कटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है और इसने बाल भी डाई करवाए हुए हैं, माशाल्लाह लंबे लंबे खूबसूरत बाल हैं इस घोड़े के। हाँ, मारता है, जंगली है, ऐसे करें क्यों नातानियां। आगे मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं कुमरात पे ले जाऊँ 11th को, पर अभी डाउटेड है क्योंकि एंड पे इंशाल्लाह पता लगेगा। आई विश मेरे क्लाइंट्स खुश रहे मेरे साथ, मैं उनके साथ खुश रहूँ तो काम हो जाएगा मेरा भी और क्लाइंट्स का भी। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, मैं घोड़ा तेज तेज चलाया करूँगा। ऐसे रखना भाई। भाई आपने मेहंदी किस चीज़ की लगाई हाथों पे? ये जो मेन जगह है ना, असल जगह ये है। की देख रहे हैं, की देख रहे हैं, समझो इशारे तो हमारे। ये खूबसूरत सा गांव है, छोटा सा, जहाँ और पत्थरों का बना हुआ है प्रॉपर। जब मैं लाइक था ना, उधर गया था, चित्राल गया था, उस वक्त भी एक ऐसा गांव देखा था मैंने, बहुत खूबसूरत गांव है। थक गया? ओके, श बोलना ना क्या कर रहा है, समझ तो लग गई होगी क्या कह रहा था। बहुत प्यारा गांव है, देखने को प्यारा लगता है, लेकिन इनकी लाइफ बड़ी हार्ड होती है, गला बनी इनका पेशा होता है। ये गांव चलता जा रहा है, हजारों साल पहले लोग यहाँ पे रहते होंगे, हजारों सालों से इनफैक्ट। पानी
जान का रिस्क लेके वीडियो बना रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब कोई फिर भी नहीं करता, ना जानने वाले ना जानने वाले ना जनवी। साइड पे ये व्यू है ये भाई। सर्दियों में कहाँ चले जाते हैं ये लोग? हाँ बालाकोट। यहाँ कितने महीने रहते हैं? दो तीन महीने। आपका भी यही गांव है? अच्छा अच्छा बहुत खूबसूरत। और आई गेस